एक्सरसाइज नॉर्मल। एक्सरसाइज च पहला आपां की कीता, सब तो पहला आपां डिफरेंशियल इक्वेशन डिफाइन की, उस तो बाद ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन का ते डिग्री, उस तो बाद अपना जिहड़ा मेन मकसद है सोल्यूशन लभना। सोल्यूशन का मतलब है कि एक्स का केड़ी वैल्यू भरी जाए ताकि वह डिफरेंशियल इक्वेशन पूरी बराबर आ सके, उन्हें सैटिस्फाई कर सके, उन्हें सोल्यूशन क्या सी आपां उह लभना सीखा सी। उन्हें लभण दे कई तरीके, हुण 9.3 विच आपां पहला तरीका सीखना है कि है वेरिएबल सैपरेबल, वेरिएबल सैपरेबल मैथड, वेरिएबल सैपरेबल मैथड की मैथड। मान लो कोई क्वेश्चन है, कोई भी क्वेश्चन, वेरिएबल्स सेपरेबल का मतलब है कि x वाली टर्म dx ना लिखी जाए, y वाले फंक्शन नु dy ना, दोनों नु आप तोड़ तोड़ के अलग कर सकते हो, उथे वेरिएबल्स सेपरेबल मैथड। जिथे नहीं कर सकते उथे होर तरीका लगा किवें, हुण देखो आ y है ते साइन है, इनू मैं किसी तरह एडजस्ट करके चुक के इधर उधर डी एक्स डी वाई नहीं लिख सकती है, और डी एक्स एक पास रहन था डी वाई उल्ट नहीं लिखता, डी वाई बाय डी एक्स डी वाई डी एक्स भी एक पास। हूँ डी वाई वाला वाई वाला फंक्शन केड़ा है, इन दे वाई वाला फंक्शन केड़ा है वाई, वो वाई थले है ਜੇ ਬਸ ਉੱਪਰ ਹੋ ਗਿਆ ਆ ਸਾਈਨ ਐਕਸ ਇਕੱਲਾ ਫੰਕਸ਼ਨ ਹੈ ਜਿਹਦਾ ਇਹ ਸਾਈਨ ਹੈ ਬਰਾਬਰ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਕਲ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਉਹਦੇ ਚ y ਵਾਲਾ dy ਨਾਲ ਅਲੱਗ ਹੋ ਗਿਆ, x ਵਾਲਾ ਫੰਕਸ਼ਨ dx ਨਾਲ ਅਲੱਗ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ, ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਵੇਰੀਏਬਲ ਸੈਪਰੇਬਲ ਫੰਕਸ਼ਨ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਇਹਨੂੰ ਵੇਰੀਏਬਲ ਸੈਪਰੇਬਲ ਮੈਥਡ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਸਿੰਪਲ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਲਵਾਂਗੇ ਜਵਾਬ समझ लग गई। मान लो एक क्वेश्चन आया था देखो, इंटीग्रल करना है।
फॉर्मूला मैं दिमाग च याद किया है तुहानू फॉर्मूले याद होंगे ते पहचान होगी ता ला सकते फॉर्मूला की है 1 plus cos 2x by 2 cos square x 1 minus cos 2x by 2 sin square हूँ आप इधर सामना शिफ्ट करना आप 1 minus cos x चाहिए यानी कि मैं इतने की कह लगी है x की बटे इधर 2 सी तो इधर अत हो गया हूँ इधर एक करूंगी तो इधर अत्ता हो जाऊंगा यानी कि बन जाऊंगा cos square x बटे 2 बराबर 1 plus cos x बटे 2 हूँ ना 2 उधर चल चुका है ना किन्ना बन गया अपने को 2 cos square x बटे 2 बराबर 1 plus cos x हूँ थलड़े 1 plus cos x की वैल्यू कितनी आ गई 2 cos square x बटे 2 यानी आ 2 उधर जाऊंगा ठीक है जी देखते x कल्ला रह जाते थे x बटे 2 बन जू जवाब किया जो 2 sin square x बटे 2 बराबर 1 minus cos x दोनों की वैल्यू आ गई हूं मैं भरता y बराबर ऊपर माइनस वाले तो ऊपर आओगी 2 sin square x बटे 2 बटे 2 cos square x बटे 2 plus c 2 दे दो अच्छा हूं मैंने आप कटे करके दसो sin बटे cos की बन गया tan अच्छा हां बेटा कल्ला tan आऊंगा की आऊंगा ना समान tan square x हां वेरी गुड tan square x हां जे सारे नु आंदा फिर इसका मतलब तुसी चीजक देओ फिर मैं बुलवा हूं tan square x दा इंटीग्रल की हुंदा की सी secant square x minus tan square x plus बराबर ही हुंदा ता फिर हमने इतने tan square x की वैल्यू चाहिए था कि किधर आऊंगा हां जी हां जी बराबर फिर tan square x हां जी कौन बने तो tan square x की वैल्यू थी की बन गई y बराबर secant square x minus 1 dx plus c हूं इनू करिए अलग अलग हां जी इनका इंटीग्रल secant square का इंटीग्रल tan x